नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डी डाइमर के ऊपर। डी डाइमर भी एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो लैब्स में किया जाता है, हेमाटोलॉजिकल लैब्स में, और जिसके द्वारा फिब्रोलिसिस का असेसमेंट किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैं डॉक्टर एस के सुतकर, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फिब्रोलिसिस के बारे में हमको पहले जानना ज़रूरी होगा कि तभी हम डी डाइमर के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो फिब्रोलिसिस है, एक तरह की मैकेनिज्म है जिससे कि जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है वो उसका जो टूटने का जो प्रोसेस है या डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है वो चलती है। तो इस मैकेनिज्म में भी बहुत सारे एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद फाइनली जो क्लॉट होता है या फिब्रिन होता है वो टूट जाता है। तो उसके बाद जो टूटे हुए जो प्रोडक्ट होते हैं इनको फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट कहते हैं, और इन्हीं फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में एक जो प्रोडक्ट होता है वो डी डाइमर होता है। तो इसके बारे में और डिटेली हम जानेंगे आगे। तो जब भी इस मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हैं कि डिलेड टाइप की इसमें ब्लीडिंग होती है। कोई भी हम सर्जरी करें या ट्रॉमा की वजह से या डेंटल जो प्रोसीजर्स करते हैं उसमें अगर पेशेंट को जो भी है उसको डिलेड टाइप की जो ब्लीडिंग हो रही है तो हमें सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें कुछ फिब्रोलिसिस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए जो टेस्ट डिजाइन किए गए हैं वो है यू ग्लोबुलिन लिसिस टाइम, उसके बाद FDP या फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरा तीसरा है डी डाइमर। तो ये तीन टेस्ट जो हैं इसमें इसके असेसमेंट के लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि जो सब एंडोथेलियल सेल्स जो आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं ये बेसिकली इंजर्ड हो जाते हैं। जब भी इंजरी होती है तो एक क्लॉट बनने का ये प्रक्रिया है वो कम्प्लीट होती है, और क्लॉट बनने के बाद ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं यही एंडोथेलियल सेल्स टिशू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें इम्पोर्टेंट है यूरोकाइनेज। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करते हैं। तो प्लाज्मिनोजन एक्चुअली एक प्रोटीन है, ये जब क्लॉट बन रहा होता है तो उसके बीच में ये फंस जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं रेड कलर में। ये प्लाज्मिनोजन का मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल यूजली जो क्लॉट बना रहता है उसमें इंटेंगल्ड रहता है, फंसा हुआ रहता है। तो इसको एक्टिवेट किया जाता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए टिशू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर या जो यूरोकाइनेज हैं या स्ट्रेप्टोकाइनेज हैं उनका यूज़ होता है, और ये प्लाज्मोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है। तो ये प्लाज्मोजन जब प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्लाज्मिन होता है ये एक्टिव फॉर्म होती है इसकी, और ये एक तरह से प्रोटीएज होता है। प्लाज्मिन सीरिन प्रोटीएज रहता है। तो ये प्रोटीएज बेसिकली जो आपका फिब्रिन है उसको कट करता है उसको फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हैं वो बने हुए हैं। उसके बाद जो फ्री प्लाज्मिन रहता है इसको कंट्रोल करने के लिए अल्फा टू एंटी प्लाज्मिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड में पाए जाते हैं वो इसके साथ में बाइंड करते हैं और इस तरह से इसको इनएक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी मैकेनिज्म है ये फिब्रोनोलिटिक सिस्टम की। तो हम यू ग्लोबुलिन लिसिस टाइम के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इट मेजर्स ओवरऑल फिब्रोलिसिस। तो जो फिब्रोलिसिस है उसके प्रोसेस को ये कंप्लीट प्रोसेस को एक मेज़र करने का एक प्रोसीजर है, और इसमें इस प्रोसीजर में एक्चुअली जो प्लेटलेट पूरा प्लाज्मा रहते लेते हैं हम लोग, जो साइट्रेटेड प्लाज्मा होता है या उसको प्लेटलेट पूअर प्लाज्मा भी कहते हैं, इसको बीक एसिड के साथ में ट्रीट करवाया जाता है जिससे कि जो यू ग्लोबुलिन फ्रैक्शन होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जब ये प्रेसिपिटेट हो जाता है तो इस यू ग्लोबुलिन फ्रैक्शन को फिर से हम बोरेट सॉल्यूशन में रीसस्पेंड करते हैं, और रीसस्पेंड करने के बाद इसकी जो क्लॉटिंग है उसको एक्टिवेट किया जाता है बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है उसको ऐड करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसके एडिशन करने के बाद ही हम जो स्टॉप वॉच है या जो उसको स्टार्ट कर देते हैं, और
द सब्सिक्वेंट अमाउंट ऑफ द क्लॉट लिसिस डिटरमाइंड एवरी 10 मिनट्स अंटिल कम्प्लीट लिसिस। तो जो 10-10 मिनट के अंतर पे हम ये इसमें टेस्ट ट्यूब में चेक करते रहते हैं कि जो क्लॉट था उसका लिसिस कैसे हो रहा है, वो किस तरह से टूट रहा है, उसमें कितना समय लगने वाला है। तो इस समय का असेसमेंट किया जाता है और इसी समय को यूग्लोबुलिन लिसिस टाइम कहते हैं। और जो यूग्लोबुलिन फ्रैक्शन होता है इसमें बेसिकली ये इसमें फिब्रिनोजन, प्लाज्मिजन और प्लाज्मिनन एक्टिवेटर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस फ्रैक्शन में पाई जाती हैं। तो नॉर्मली जो यूग्लोबुलिन लिसिस टाइम होता है वो 90 to 6 आवर्स होता है। तो इन दोनों के बीच में ये इसको नॉर्मल माना जाता है। और कुछ कंडीशंस में ये काफ़ी फिब्रिनोलिसिस बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत जल्दी क्लॉट का जो टूटना होता है वो हो जाता है, इंक्रीज्ड हो जाता है फिब्रिनोलिसिस। तो उस कंडीशन में यूग्लोबुलिन टाइम, एक्चुअली यूग्लोबुलिन लिसिस टाइम जो है वो डिक्रीज्ड होने लगता है। तो ये जो कंडीशंस हैं इसमें ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गया, लिवर सिरोसिस हो गई, लिवर सिरोसिस में एक्चुअली डिक्रीज टिश्यू प्लाज्मिनन एक्टिवेटर्स का जो क्लियरेंस होता है वो कम हो जाता है। इस तरह से हेरिडिटी डिफिशेंसी और फिब्रिनोजन हो गया, ल्यूकेमियाज हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। इसके अलावा जो थेरापेटिक एजेंट्स हैं जो हम लोग थ्रोम्बस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, यूरोकाइनेज हो गया, या टिश्यू प्लाज्मिनन एक्टिवेटर्स हो गए, तो इन सारे कंडीशंस में यूग्लोबुलिन टाइम जो है वो डिक्रीज्ड हो जाता है और फिब्रिनोलिसिस जो है वो उसका जो प्रोसेस है फिब्रिनोलिटिक सिस्टम का वो बढ़ जाता है। अब थोड़ा डी डाइमर के बारे में जानेंगे कि ये दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो फिब्रिनोलिटिक सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। तो डी डाइमर एक तरह के प्रोटीन फ्रेगमेंट होते हैं जो, जैसा कि मैंने बताया कि क्लॉट के जो ब्रेकडाउन्स के बाद जो बनते हैं। और सो इस प्रोसेस में जो फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं और उनको डी डाइमर कहते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, डी डी मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड है। तो इस तरह से ये फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और ये बेसिकली बनने के बाद जो डी डाइमर होते हैं ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो टेस्ट होता है उसके कंपैरिजन में डी डाइमर को ज़्यादा स्पेसिफिक माना जाता है फिब्रिनोलिसिस के लिए। तो यहाँ पे राइट साइड में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फिब्रिनोजन है इसमें जो जब भी इस पर थ्रोम्बिन का एक्टिवेशन वो एक्टिविटी होती है तो ये फिब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्रोम्बिन के द्वारा इसको फिब्रिन मोनोमर में कन्वर्शन हो गया है। और ये जो मोनोमर्स हैं ये सब एक पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं और पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो लूज बॉन्ड होता है। तो ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं। और विद द एक्टिविटी ऑफ फैक्टर 13, तो जो फैक्टर 13 होता है वो इन बॉन्ड्स को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है और एक स्ट्रॉन्ग पॉलीमर बन जाता है। क्रॉस लिंक्ड जो फिब्रिन है वो एक्चुअली बनता है। तो इस तरह से जो मेन जो परमानेंट क्लॉट बनता है वो क्रॉस लिंकिंग ऑफ दी डिफरेंट टाइप ऑफ फिब्रिन मोनोमर्स की वजह से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें फैक्टर 13 का इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जब प्लाज्मिन एक्टिवेट होता है तो प्लाज्मिन का, जैसा कि मैंने बताया था कि टिशू प्लाज्मिन जो एक्टिवेटर होते हैं वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो प्लाज्मिन होता है ये इसी क्रॉस लिंक्ड जो फिब्रिन के पॉलीमर्स हैं इनको डिग्रेड करता है या इनको तोड़ता है। तो तोड़ने के बाद जब आप देख सकते हैं कि डिग्रेडेशन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस तरह के डी डाइमर्स आपको मिल जाएंगे। डी डाइमर्स के अलावा भी और भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लेकिन इसमें जो एक फ्रेगमेंट होता है वो डी डाइमर का भी होता है। तो ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि डी डाइमर किस तरह से बनते हैं। अगर हम प्लाज्मिन के एक्टिवेशन के बारे में बात करें तो जो टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर है एक, जैसा कि मैंने बताया कि एक सीरीन प्रोटीएज होता है और ये जो प्लाज्मिन के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है। और ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वहाँ से रिलीज़ होता है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हैं ये बेसिकली एंडोथेलियल जो इंजर्ड या डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ से ये रिलीज़ होता है। और जो प्लाज्मिनोजन फिब्रिन क्लॉट के बीच में इंटेंगल्ड या फंसा हुआ है उसको ये एक्टिव प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तो राइट साइड में आप देख सकते हैं
कि जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट आ रहे हैं तो इसमें यूरोकाइनेज हो सकता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो सकता है, स्टाफिलोकाइनेज हो सकता है, तो ये सब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहलाते हैं। और यही प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो प्लाज्मिन होता है ये फिब्रिन को, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि फिब्रिन को फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये इसमें से जो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं उसमें से एक पार्ट होता है वो डी डाइमर का होता है, और इसको कंट्रोल किया जाता है प्लाज्मिन को अल्फा टू एंटी प्लाज्मिन के द्वारा, जो एक प्लाज्मिन इन्हिबिटर है, तो इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्लाज्मिन का एक्टिवेशन होता है। तो अगर हमको डी डाइमर का एस्टिमेशन करना है तो इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है, यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डी डाइमर के बारे में बात कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ डी डाइमर, तो इसके लिए लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में एक्चुअली जो एंटी डी डाइमर एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटी डी डाइमर एंटीबॉडीज़ को लेटेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं या लेटेक्स जो पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर कोड किया जाता है। और जब ये जो एंटीबॉडी लेबल्ड लेटेक्स मॉलिक्यूल है जब ये डी डाइमर के साथ में कंबाइन होते हैं तो एक हाई मॉलिकुलर इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस हाई मॉलिकुलर इम्यूनो कॉम्प्लेक्स की वजह से जो सॉल्यूशन होता है उसमें टर्बिडिटी आ जाती है। तो इस टर्बिडिटी को आप बेसिकली मेजर कर सकते हैं एट अराउंड 570 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के जो बीच में जो आपका एब्जॉर्बेंस है वो निकाल सकते हैं। तो एक तरह का ये काइनेटिक प्रोसीजर है। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जो इसमें एक्चुअली दो रिएजेंट्स होते हैं, तो जो रिएजेंट वन होता है वो डी डाइमर बफर होता है, और दूसरा जो रिएजेंट होता है वो डी डाइमर लेटेक्स टेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो इसमें जो रिएजेंट है इसमें जो सैंपल है वो 12 माइक्रोलीटर लिया जाता है, और रिएजेंट बन इसमें 100 माइक्रोलीटर यानी जो डी डाइमर बफर है उसको ऐड किया जाता है 100 माइक्रोलीटर, और फिर उसके बाद रिएजेंट टू यानी जो डी डाइमर लेटेक्स कोटेड जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं 100 माइक्रोलीटर उनको ऐड किया जाता है, उसके बाद जो टर्बिडिटी का एब्जॉर्बेंस है वो निकाला जाता है। तो इस तरह से मैंने बताया कि वही 570 नैनोमीटर्स पे या इसको 700 नैनोमीटर्स पे इसका असेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं जो डी डाइमर मॉलिक्यूल हैं इनके ऊपर एंटीजन्स रहती हैं, ये जो एंटीजन डी डाइमर जो एंटीजन होती हैं, तो ये एंटीजन की वजह से ये जो लेटेक्स कोटेड एंटी डी एंटी बॉडीज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके साथ में ये बाइंड कर लेता है, और इस तरह से एक इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बनता है जो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ये इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, और इसी इम्यूनो कॉम्प्लेक्स के अब्जॉर्बेंस को हम निकाल के इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो डी डाइमर है ये बेसिकली कई कंडीशंस में काफ़ी बढ़ जाता है, जिसमें से इम्पोर्टेंट है डी बीनस थ्रोम्बोसिस या DVT। तो कई लोगों को जो बीन्स होती है उनके अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, उस थ्रोम्बस को बेसिकली डी बीन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और उस कंडीशन में भी आपका जो डी डाइमर है वो काफ़ी राइज आता है। उसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, डिसमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोएगुलेशन है, ट्रॉमा है, और इस तरह से जो अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी की जैसे प्री एक्लेम्प्सिया की जो केसेस हैं उनमें भी एक्चुअली ये इसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये डी डाइमर का यूजेज है जहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं इस टेस्ट का। तो डी डाइमर के कुछ कंडीशंस में फॉल्स रिजल्ट्स भी आते हैं, और ये फॉल्स पॉजिटिव भी कई कंडीशंस में मिल सकता है। तो इसमें कोलेजन वास्कुलर जो डिसीजेज होती हैं उसमें यूजली ये जो टेस्ट है वो फॉल्स आता है। उसके अलावा अगर जो पेशेंट है उसकी एज मोर देन 80 है तो उसमें भी चांसेस होते हैं इसके फॉल्स आने के, या कुछ सेप्सिस है या इन्फेक्शन है काफ़ी सीवियर टाइप का जो इन्फेक्शन है उसमें भी डी डाइमर के जो है फॉल्स आने के चांस होते हैं, प्रेगनेंसी है, मेलेग्नेंसी है, लिवर फेलियर है, तो इन सारी कंडीशंस में फॉल्स पॉजिटिव आने के चांस रहते हैं डी डाइमर के। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रेंज के बारे में नहीं बताया था, तो जो नॉर्मल रेंज होती है डी डाइमर की वो लेस देन 250 नैनोग्राम पर
ml होती है, या इसको 0.5 माइक्रोग्राम पर ml भी इसको नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह से जो नॉर्मल रेंज है डी-डाइमर की वो लेस देन 250 नैनोग्राम पर ml या लेस देन 0.5 माइक्रोग्राम पर ml होती है। तो ये आज डी-डाइमर के बारे में था। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।